स्वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। आए दिन अपराधियों का तांडव सातवें आसमान को छू रहा है, बावजूद इसके सरकार और प्रशासन की नींद नहीं खुलती। सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन से ज्यादा ताकतवर क्या अपराधी बन गए हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रशासन से सबका विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं CS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। ताजा मामला नालंदा जिले की है, जहां फैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच करने घटनास्थल पर DSP पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा होने के बावजूद भी बदमाशों के हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व बिंद थाना इलाके में 2 सहोदर भाई की हत्या कर दी गई थी। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि हिलास अनुमंडल के एक रंग सराय में बदमाशों ने फैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। रोक के बाद भी आराम से हो रही है बड़े वाहनों की आवाजाही। हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद अब लोग पूछ रहे सवाल। कैमूर जिले के मोहनिया थाना के मुंडेश्वरी गेट के पास ट्रक के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चालक ट्रक को घटनास्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण चांदनी चौक पर जाम लगाए बैठे हैं। हालांकि मोहनिया थाना प्रभारी लोगों को समझाने में जुटे हुए थे। पुलिस कर्मियों को क्राइम कंट्रोल के गुण सिखाते नजर आए बिहार के सिंघम। बिहार पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले सारण के DIG मनु महाराज आज अचानक सिवान पहुंचे। सिवान पुलिस लाइन पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। मनु महाराज सीधे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आखिरी लोकेशन मिलने के बाद बिहार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दीप सिंधु बिहार में छिपे हुए हैं? गणतंत्र दिवस पर लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद फरार चल रहे पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू का नया ठिकाना बिहार हो सकता है। देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे दीप सिद्धू का आखिरी फोन लोकेशन बिहार में रिकॉर्ड मिलने के बाद इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से भी संपर्क किया है। पुलिस की एक टीम सोमवार को बिहार रवाना हो चुकी है। अंधविश्वास का नजारा। डायन का आरोप लगाकर ननद ने की भाभी की पीट पीट कर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारपुर गांव में डायन का आरोप लगाकर महिला के घर में घुसकर निर्मम तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतिका के पति ने अपने ही सगी बहन और बहनोई पर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतिका के पति ने कहा कि बहन को बच्चा नहीं था, जिसको लेकर मृतिका रीता देवी पर डायन का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पति पत्नी ने पीट पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। क्राइम पर कंट्रोल के लिए SP ने की कार्रवाई। थाना अध्यक्ष सहित 2 दर्जन पुलिस कर्मियों का किया तबादला। बिहार में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। आए दिन अपराधी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय SP की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए बेगूसराय SP ने कई थाने अध्यक्ष का तबादला कर दिया है। बिहार STF ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्घाटन। 5 अर्धनिर्मित पिस्टल समेत अन्य उपकरण बरामद। बिहार STF ने मुंगेर से मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। STF की विशेष टीम ने मुंगेर के ऋषि कुंड पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। STF ने इस धंधे में शामिल 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगवाया कोरोना का टीका। लोगों से की अपील, कोरोना का टीका पूरी तरह सेफ है, इनका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इसे लेने से कोई परेशानी होती है। यह टीका कोरोना के बचाव का कवच है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1200 एकड़ की लागत से हो रहा विस्तारीकरण। बजटीय प्रावधानों में एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की घोषणा के बीच पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के कवायद शुरू हो गए हैं। वहीं एयरपोर्ट कर्मियों की ओर से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052443।